हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक गुरु मुकेश। दोस्तों, इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं बारटेंडर सॉफ्टवेयर के ऊपर, और उन सभी वीडियोस में मैंने आपको बारटेंडर इंस्टॉल करने से लेके बारटेंडर में कैसे फॉर्मेट बनाते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, इन सभी का कम्प्लीट प्रोसेस जो है मैंने उन सभी वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है। और उन सभी वीडियोज़ में मैंने ज़्यादातर आप लोगों के एक कॉमेंट्स हाईलाइटेड देखे हैं, जिन सभी कमेंट्स में आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि हाउ टू क्रिएट पीडीएफ फाइल इन बारटेंडर सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, आपके उन सभी कमेंट्स का, उन सभी सवालों के जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा, और आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि बारटेंडर सॉफ्टवेयर से आप कैसे पीडीएफ फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको आप यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है कोई ऐसा स्टेप आप ना देख पाए और उसकी वजह से आपको आगे चल के दिक्कत का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे अपलोड की गई सारी वीडियोस टेक्नोलॉजी से भरपूर और काफी हेल्पफुल होती है आप सभी के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप के स्क्रीन पे, और वहां पे मैं आपको बताता हूँ पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि आप कैसे बारटेंडर सॉफ्टवेयर से पीडीएफ फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आ गया हूँ मैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, और यहाँ से मैं बारटेंडर को ओपन कर लूँगा। आपको भी आपका बारटेंडर जो है ओपन कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से अपने बारटेंडर ओपन कर लिया है, और यहाँ से जो है हमें एक न्यू पेज न्यू लेबल का साइज़ क्रिएट कर लेना है। और बारटेंडर में न्यू लेबल कैसे क्रिएट करते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपको बारटेंडर में न्यू लेबल साइज़ क्रिएट करना नहीं आता है तो आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूँगा, या फिर इस वीडियो के एंड में आपको वो लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं फटाफट से एक न्यू लेबल साइज़ क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक न्यू लेबल साइज़ क्रिएट कर लिया है, और ये जो है पोर्ट्रेट में आ गया है, इसको मुझे लैंडस्केप में करना है। तो लैंडस्केप में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इस पेज के ऊपर आके और यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे आ जाना है, सबसे नीचे नीचे से सेकेंड वाले ऑप्शन पर, पेज सेटअप पर, इसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक कर देनी है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है पेज में, और पेज में आने के बाद आपको यहाँ से लैंडस्केप चूज़ कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो ये देखिए, अब ये लैंडस्केप में हो गई है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे जो लेबल का साइज़ लिया है वो लिया है यहाँ पे 10 इंचेस का इसका विड्थ है, और इसकी जो हाइट है वो है 8 इंचेस की। इसका फॉर्मेट हम बनाएंगे 10x8 इंचेस में, लेकिन जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होगा 3x2 इंची के साइज़ में। वो कैसे होगा वो कंप्लीट प्रोसेस में बताऊंगा आपको इस वीडियो में। और अभी ये हमारा टेम्पलेट जो है वो ब्लैंक है, तो इसके ऊपर मैं कुछ डाटा बना लेता हूँ अपना। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो डाटा है अब वो क्रिएट हो चुका है हमारे इस न्यू लेबल साइज़ में। अब हमें इसका पीडीएफ क्रिएट करना है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बारटेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी ऐसा फीचर या फिर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे आप पीडीएफ फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे फाइल में, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा पीडीएफ को क्रिएट करने के लिए बारटेंडर सॉफ्टवेयर में। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊँगा कि बारटेंडर सॉफ्टवेयर से कैसे आप पीडीएफ फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल ही यही है कि हाउ टू क्रिएट पीडीएफ फाइल इन बारटेंडर सॉफ्टवेयर। लेकिन फिर भी हम इस लेबल के साइज़ को, इस फॉर्मेट को हम क्रिएट करेंगे पीडीएफ फाइल में। तो दोस्तों, हमें पीडीएफ को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, हम सीधा यहाँ पे आएंगे फाइल में। फाइल में आने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे प्रिंट ऑप्शन में, और इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप कोई भी लेबल को प्रिंट करते हो उसके लिए भी एक यही विंडो ओपन होती है। तो सारा काम जो है हमें यहीं पे करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ये प्रिंटर का ऑप्शन। प्रिंटर के ऑप्शन में हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हमारा प्रिंटर, बट हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमारा PDF क्रिएटर ड्राइवर को, और ये ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना होगा आपको अपने कंप्यूटर में। और इस PDF क्रिएटर के डाउनलोडिंग वेबसाइट लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ से वो वेबसाइट कॉपी कर लेनी है और सिंपली इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको यहाँ से इसको चूज़ कर लेना है PDF क्रिएटर ड्राइवर को। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, सीधा हमें यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। जैसे आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे आपके सामने इस तरह का एक और न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है PDF क्रिएटर, और यहाँ पे आपको जो भी आपका फाइल है उस फाइल का नेम आपको यहाँ पे दे देना है। तो मैं अपना एक फाइल नेम इसको यहाँ पे देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अपना जो फाइल नेम है वो यहाँ पे डाल दिया है 3 inches by 2 inches into 1 ups। इसके बाद हमें और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सीधा हमें यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देनी है। अब देखिए, जैसे ही आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने आपके कंप्यूटर का सिलेक्ट डेस्टिनेशन फोल्डर का एक न्यू विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी इस फाइल को सेव करनी हो आप उस फाइल डेस्टिनेशन को, उस फोल्डर को चूज़ करेंगे, और चूज़ करने के बाद इसको आप यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी बारटेंडर PDF मेकिंग का फोल्डर एक बनाया हुआ है, मुझे इसी में इसको सेव करना है। तो सीधा मैं यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए, हमारा अब सेव हो चुका है ये, अब ये फाइल ओपन भी हो जाएगी यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारी जो फाइल है वो PDF में यहाँ पे कन्वर्ट हो गई है, और जो भी हमारा बारटेंडर का फॉर्मेट था वो यहाँ पे अब PDF में कन्वर्ट होके आ चुका है। अब बात आती है इसको प्रिंट करने की, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो ये लेबल हमने जो बारटेंडर में चूज़ किया था वो हमने चूज़ किया था 10 inches into 8 inches में, लेकिन हम इसको प्रिंट करेंगे 3 inches into 2 inches में। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा यहाँ से इस प्रिंट के आइकन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हम सीधा यहाँ से अपना प्रिंटर को चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मेरा जो प्रिंटर है वो है TAC का TTP 244 Pro। प्रिंटर को चूज़ करने के बाद हम यहाँ पे अपना प्रॉपर्टीज़ को चूज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं मेरा जो ये पेज साइज़ है वो 3 inches into 2 inches का ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके बाद हम इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा जो फॉर्मेट है वो रेडी हो चुका है 3 inches into 2 inches में प्रिंट करने के लिए। आपने पीछे देखा बारटेंडर में मैंने जो साइज़ क्रिएट किया था वो 10 inches into 8 inches में क्रिएट किया था, लेकिन हमने यहाँ पे जो साइज सिलेक्ट किया है वो 3 inches into 2 inches में, और हमारा जो फॉर्मेट है यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठा हुआ है। अब दोस्तों, हमें जितनी भी यहाँ पे इसकी कॉपी प्रिंट करनी है वो हम वो यहाँ पे डाल देंगे, और डालने के बाद सीधा हम यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे और उतने लेबल्स जो हैं हमारे प्रिंट होके आ जाएंगे। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है कोई भी स्पॉन्सरशिप की वीडियो नहीं है, ये जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ कहीं पे भी समझने में दिक्कत हुई हो तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। और दोस्तों, PDF क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर का डाउनलोडिंग लिंक मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और वो सॉफ्टवेयर का जो डाउनलोडिंग लिंक है वहाँ से आपको उस लिंक को कॉपी कर लेना है और उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस तरह की जानकारी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपका कोई सवाल है या फिर आपको कुछ समझने में कहीं पे कोई दिक्कत हुई हो तो आप हमारी इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में दिए हुए बेल आइकन को
प्रेस करके ऑन कर लिए ताकि मैं जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।